नमस्कार दोस्तों, बिजनेस समाचार में आपका स्वागत है। काउ डंग बिजनेस, गोबर से बिजनेस के लिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं लेकिन आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा बिजनेस है जो मेरे एरिया के लिए परफेक्ट है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसे मैं अच्छे सेलिंग कर सकूँ, कम बजट के साथ शुरू कर सकूँ, काउ डंग बिजनेस के क्या फायदे हैं, काउ डंग बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कितने प्रकार के मशीनरीज यूज होते हैं और इन मशीनों की क्या लागत है, कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो कम लागत के साथ शुरू किए जा सकते हैं, कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को मैं शुरू कर सकता हूँ, ये तमाम प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे यदि आप एक बिगनर हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज की वीडियो में मैं ये तमाम प्रश्नों का सोल्यूशन देने का पूरा मेरा आज का ये प्रयास है और आप निश्चित रूप से सेटिस्फाई होंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए दोस्तों, देखते हैं काउ डंग बिजनेस के फायदे। काउ डंग बिजनेस के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे मेन तो ये है कि ये पर्यावरण के साथ इको फ्रेंडली है, इसमें किसी प्रकार का कोई इफेक्ट कोई नुकसान नहीं होता है। आप इसका प्रोडक्शन लेंगे तो आपके शरीर में भी कोई दिक्कत नहीं, आसपास के जीवों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। काउ डंग बिजनेस में जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो 100% नेचुरल प्रोडक्ट होता है, इसकी शुद्धता बरकरार रहता है और काउ डंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, कुछ बिजनेस में लोन प्रोवाइड करते हैं और कुछ बिजनेस के लिए क्या है कि सब्सिडी भी प्रोवाइड करते हैं। काउ डंग बिजनेस को आप कम बजट के साथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये सब फायदे हैं। साथ ही काउ डंग बिजनेस यदि आप करते हैं तो हमारी जो गौ माता है वो भी सुरक्षित होती है, उनका विस्तार को बढ़ावा मिलता है, स्वरोजगार के क्षेत्र में भी बहुत एक अच्छा पहल है। काउ डंग बिजनेस कौन कर सकता है? काउ डंग बिजनेस को कोई भी कर सकता है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे घरेलू महिलाएं हो, चाहे वो बेरोजगार भाई बहन हैं, वो भी कम बजट के साथ शुरू कर सकता है। काउ डंग बिजनेस में बहुत सारे हमें अवसर मिलता है, जैसे कि धूप बत्ती अगरबत्ती की बात करें तो आपके पास यदि काउ डंग यानी कि गोबर अवेलेबल नहीं है तो आप खरीद करके भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास गोबर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जैसे आप गौ पालक हैं, डेयरी वाले हैं, पशुपालक हैं, तो आपके लिए सर्वोत्तम में बिजनेस है। आप काउ डंग के बहुत सारे बिजनेस को कर सकते हैं और काउ डंग बिजनेस के लिए ऐसा कोई एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल होना भी ज़रूरी नहीं है। काउ डंग बिजनेस कैसे शुरू करें? काउ डंग बिजनेस को शुरू करने के लिए काउ डंग बिजनेस का च्वाइस करना होगा। तो काउ डंग बिजनेस का च्वाइस करने के लिए आपको पहले तो मार्केट का आपको सर्वे करना होगा, जिस भी लोकेशन में आप रहते हैं उस लोकेशन में जो पब्लिक हैं, जो लोकेलिटी हैं, उसकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, वो किस प्रकार की दिनचर्या में रहते हैं, उनको क्या पसंद है, उनके जो डेली रोज़मर्रा के जो यूजेस हैं उसमें क्या काउ डंग प्रोडक्ट यूज होता है, इस प्रकार का आपको सर्वे करना होगा। और आपको ये देखना होगा कि पहले से कौन कौन से बिजनेसमैन हैं जो काउ डंग बिजनेस कर रहे हैं और उनका जो प्रोडक्ट है मार्केट में उसकी कितनी खपत है, कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो सीजनेबल चल रहे हैं या फिर वो 12 महीने चल रहे हैं, ये सारा कुछ आपको आकलन करना होगा। इससे आप अपने लिए एक बेस्ट काउ डंग बिजनेस को सेलेक्ट करने के लिए आपको एक पॉइंट मिलेगा। दूसरी बात ये है, आप ये देखिए कि आपके पास काउ डंग मतलब गोबर की उपलब्धता कितनी है, आप पशुपालक हैं कि डेयरी वाले हैं। जैसे कि आपके पास अगर आप पशुपालक हैं या डेयरी वाले, आपके पास पर्याप्त मात्रा में गोबर उपलब्ध है, तब तो आप बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं। जैसे पेपर प्लांट का प्रोजेक्ट भी आप लगा सकते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा 12 लाख के समथिंग ये प्रोजेक्ट है, जिसमें सब्सिडी भी प्रोवाइड किया जाता है। गोबर गैस का भी आप प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट लोन मुहैया कराती हैं, इसमें भी सब्सिडी दिया जाता है। आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट मतलब ऑल टाइप का प्रोजेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन यदि आपके पास गोबर की उपलब्धता नहीं है, काऊ डंग की उपलब्धता नहीं है, उस कंडीशन में आप धूप बत्ती, अगरबत्ती, दिया का सजावट के सामान ये सब कर सकते हैं, जिसमें कम रॉ मटेरियल यूज होता है, उस टाइप का बिजनेस आप कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है आपके लिए बिजनेस को चॉइस करने का। तीसरी बात यह है कि आप मार्केट का आकलन कीजिए कि वहाँ कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड तो है लेकिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यदि वो प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए तो वो प्रोडक्ट जो है बाकी प्रोडक्ट से अच्छा चलने का, उछाल मारने का मतलब एक आशंका बनती है। तो ये सब चीज़ को आपको सर्वे करना होगा, तब आप तय कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा बिजनेस बेस्ट रहेगा। उसमें से आप दो तीन बिजनेस जैसे सेलेक्ट कर मतलब सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप अपने बजट देखिए कि मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अब बात आता है दोस्तों कि मशीनरी का। तो काऊ डंग बिजनेस में कुछ प्रोडक्ट मैनुअली हाथ से तैयार किए जाते हैं, कुछ डाई की सहायता से तैयार किए जाते हैं, कुछ मशीन की सहायता से तैयार किए जाते हैं। तो मशीनरी के लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें से 10 मशीन के बारे में मैंने बताया है जो कि अलग अलग काऊ डंग बिजनेस से रिलेटेड हैं। आप एक बार वीडियो को पूरा देखें। मैं लोएस्ट प्राइस की मशीन को बताया हूँ जो कि इंडिया मार्ट से ही है, और उन मशीनों से आप जो है अलग अलग प्रकार के बिजनेस कर सकते हैं। काऊ डंग बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं या कितने प्रकार से किए जाते हैं, जहाँ तक मेरा जानकारी है, मेरा अनुभव है, उस हिसाब से मैंने काऊ डंग बिजनेस को 24 प्रकार से बताया है। 24 प्रकार के बिजनेस आप कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें आपको ये 24 प्रकार के बिजनेस की पूरी जानकारी मिल जाएगा। काऊ डंग बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल, अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग प्रकार के रॉ मटेरियल तैयार किए जाते हैं। मुख्य रूप से जो रॉ मटेरियल तैयार होता है उसमें ताज़ा गोबर, गोबर की मॉइस्चर को कम करके और ड्राई कंडीशन में मतलब पाउडर के रूप में। तो ताज़ा गोबर के लिए जो है दोस्तों, आप ताज़ा गोबर को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे धूप बत्ती, अगरबत्ती का अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है उसके लिए इसमें पाउडर का भी इस्तेमाल करके बनाया जाता है। दूसरा, मॉइस्चर को कम करके जैसे कि काऊ डंग के लिए गो कास्ट जैसे बनाना है ना, तो गो कास्ट है, गमला है, इसमें मॉइस्चर को कम करके बनाया जाता है। और जो पाउडर है दोस्तों, जैसे कि सजावट के सामान हो गए, मूर्ति वगैरह हो गया, दिया वगैरह हो गया, इसमें गोबर का पाउडर बनाया जाता है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि गोबर से पाउडर कैसे बनाया जाता है पाउडर के लिए, जिससे आपको ये जानकारी मिल जाएगा कि आप पाउडर कैसे बनाएंगे। बहुत ही कम कास्ट के साथ आप बना सकते हैं। मैंने आटा चक्की की मशीन से भी बताया है उसमें, तो वीडियो को आप पूरा देखें। और जैसे ताज़ा गोबर की बात हो गया और गोबर के मॉइस्चर को कम करके, तो जो आप वीडियो देखेंगे गो कास्ट का उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा। साथ ही मैंने काऊ डंग ड्रायर मशीन का एक वीडियो बनाया है जिससे आप गोबर का पाउडर बना सकते हैं, अन्य प्रोडक्ट बना सकते हैं, कई प्रकार के बिजनेस उसके साथ कर सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, इससे आपको पूरी जानकारी मिलेगा। मार्केटिंग के लिए आप ऑनलाइन, ऑफलाइन, ओरली मार्केटिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए यदि आप फेसबुक चलाते होंगे या व्हाट्सएप चलाते होंगे या और भी कोई अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से कर सकते हैं, गूगल एड के माध्यम से कर सकते हैं, फेसबुक एड के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन में न्यूज़पेपर में एडिटिंग दे सकते हैं, प्रिंटरों द्वारा वॉल पेंटिंग करवा सकते हैं, फ्लैक्स लगवा सकते हैं, बैनर लगवा सकते हैं, अपना आई कार्ड बनवा करके लोगों को आप दे सकते हैं जितने लोग आपको जानते हैं। इसके अलावा आप ओरली जितने लोगों को आप जानते हैं उनको आप ओरली अपने बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं। साथ ही जो कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं साल में, जैसे कि दुर्गा पूजा हो गया, गणेश पूजा हो गया, वहाँ पर भी आप अपने बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं।
और जितना ज़्यादा आप मार्केटिंग करेंगे उतने ही अच्छा आप अपने बिजनेस के लिए आप अपने प्रोडक्ट को सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में काउ डंग बिजनेस से रिलेटेड तमाम क्वेश्चनों का सोल्यूशन देने का मैंने प्रयास किया है। ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा यदि आप एक काउ डंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो लोग काउ डंग बिजनेस से इंटरेस्टेड हैं या शुरू करने वाले हैं उन तक पहुंच सके। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।